हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में एमबीए सीईटी का आगे का प्रोसेस क्या है आफ्टर द रिजल्ट, वो हम देखने वाले। तो रिसेंटली रिजल्ट इज अनाउंस्ड फॉर द एमबीए सीईटी 2022, सो लेट अस सी व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एमबीए सीईटी कैप राउंड एज पर द लास्ट ईयर रिकॉर्ड। 2021 में जो भी प्रोसेस था उसके हिसाब से ये वाला फ्लो चार्ट यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है। तो जो भी इसके डेट्स आएंगे तो उसके बाद हम वापस से और एक वीडियो बनाएंगे। तो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो कि एक्चुअल में अभी रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज है कि अभी सर आगे क्या करना है, अभी रिजल्ट तो आ गया है तो आगे के प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, तो अभी हमें क्या क्या करना है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अभी तो फर्स्ट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो कि साथ में ही होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सब होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये स्टेप होगी आपकी, जब भी डीटी के तरफ से, सीईटी सेल के तरफ से आपको नोटिस आएगा, मतलब उनके वेबसाइट पर, इट विल टेक अराउंड 15-20 डेज, 15-20 दिन इसको कम से कम तो लगते ही है, मे बी मोर देन दैट भी टाइम लग सकता है। तो अभी इमीडिएट आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, सो यू हैव टू वेट फॉर द सीईटी सेल का नोटिस ऑन योर ऑन देयर वेबसाइट। तो उसके बाद ही जो भी आगे का प्रोसेस है तो वो स्टार्ट होगा। ओके, सो इट विल टेक अराउंड 15-20 डेज। तो सबसे पहले होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। बहुत सारे स्टूडेंट जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिन्होंने एग्जाम तो दे दिए सीईटी के, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका स्कोर कम आता है, या तो फिर इस साल एडमिशन नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, या किसी के फाइनल ईयर मतलब ग्रेजुएशन में बैकलॉग रह जाते हैं तो फिर वो एमबीए के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। तो सारे लोग जिन्होंने एग्जाम दी वो सारे के सारे लोग एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर इसके लिए अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिन्होंने ऑलरेडी सीईटी दी है उन सभी को, जिनको आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है उनको रजिस्टर करना होता है। सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे ऑनलाइन ओनली। ओके, अगर उसमें कुछ त्रुटि नहीं होती है तो फिर वो उसमें और एक स्टेप रहेगा कि आपको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। कुछ क्वेरी है तो आपको रिप्लाई आएगा ऑनलाइन, और आपको फिर वो क्वेरीज जो भी रहेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी है तो। ओके, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरी, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट एंड जनरल मेरिट लिस्ट, ये दोनों की लिस्ट डिस्प्ले होती है। उसके बाद कुछ और भी ग्रीवियंसेस अगर हो, मान लो कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई सेटिस्फाइड नहीं है जो भी है, तो दैट विल बी आंसर्ड बाय द सीईटी सेल। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से डिस्प्ले होगा। देन कैप राउंड के लिए ऑप्शंस खुलेंगे। ओके, कैप राउंड मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस, कैप का लॉन्ग फॉर्म है, तो उसके लिए फिर आपके ऑप्शंस आपको फिल करना है। तो उसमें जो भी ऑप्शंस आपको डालना है कॉलेजेस के, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बाद में वीडियो में जब भी इनका नोटिस आएगा तब वापस से हम वीडियो डिस्प्ले करेंगे विद द डेट्स। ओके, तो उसके बाद फिर कैप राउंड वन के बाद उसका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी कैप राउंड वन की। और जिनको कैप राउंड वन में एडमिशन लिया है, जिनको लेना है वो एडमिशन ले लेंगे, और जिनको एडमिशन नहीं लेना है दे विल गो फॉर द कैप राउंड टू। तो वो कैप राउंड टू में जाएंगे, तो कैप राउंड टू होने के बाद उसका अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद फिर फाइनली इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड होगा जो कि फाइनल रहेगा। और उसके बाद सारे एडमिशन होने के बाद फाइनली कॉलेज स्टार्ट होगा। तो दिस इज द टोटल लमसम फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस, और इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months टू कम्प्लीट। ओके, तो कॉलेज आपका कब स्टार्ट होगा? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि सर कॉलेज एडमिशन हो कि कॉलेज कब तक स्टार्ट होगा। तो इट मे बी आफ्टर नवंबर, मतलब दिवाली के बाद में जो भी है, इट विल मतलब दिसंबर तक तो जाएगा ही। ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो है जिनके लिए, जिनको भी प्रोसेस पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं, तो इट विल टेक अ टाइम। अभी आपको इमिडिएटली कुछ नहीं करना है, तो यू वेट टिल द नोटिस फ्रॉम द सीईटी सेल कम्स। ओके, तो जो भी अपडेट्स है तो आपको यहाँ पर चेक करना है सीईटी सेल, उनका वेबसाइट cetsale.mahaseet.org, तो ये आप चेक करते रहो। उनका डाउनलोड्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, न्यूज हो गया, ये कॉलम्स आप चेक करते रहो। और मैं नोटिस टेलीग्राम पर भी हम डालते रहते हैं उनकी तरफ से जो भी नोटिस आता है वो। सो काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये अपना टेलीग्राम चैनल है क्लास का, ये भी आप ज्वाइन कर लो। और जब भी उनकी तरफ से नोटिस आएगा तो वी विल मेक अ डिटेल वीडियो, इसका हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे विद द डेट्स, और एक्चुअल में इस बार कुछ चेंजेस है क्या, वो हिसाब से भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे।
सो दिस इज एज पर द लास्ट 2 ईयर्स का डेटा, किस टाइप से उनका कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 इस टाइप का प्रोसेस होता है। सो आई होप कि आपको आपके सारे आंसर्स इमीडिएट जो भी नए स्टूडेंट है उनको मिल गए हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द नाउ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिस। ओके टिल देन ज्वाइन दिस ग्रुप। और बस आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।